वेल गाइस, तो आज हम यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें एवेंजर्स एंड गेम की कास्ट जो है एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स में दिखती हुई नजर आएगी 24 फेब 2019 को। और इसके पीछे काफी सारे बड़े रीजंस हैं क्यों जो है हमें एवेंजर्स एंड गेम के एक्टर्स यहाँ पे होस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं इस साल के अकेडमी अवार्ड्स को। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि अकेडमी अवार्ड के प्रोड्यूसर्स ने खुद कहा है कि हम चाहते हैं और हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि हम एवेंजर्स एंड गेम की कास्ट को जो है अपने प्लेटफॉर्म पे अवार्ड्स को होस्ट करने के लिए बुलाएं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही फख्र की बात होगी। अब कुछ मेन पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं क्यों जो है एवेंजर्स एंड गेम के कास्ट मेंबर्स हमें ऑस्कर अवार्ड्स में नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि जिस नेटवर्क पे यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं ऑस्कर अवार्ड्स, तो वो नेटवर्क है ABC, और उसी नेटवर्क को ओन करता है यहाँ पे डिज्नी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस के थ्रू। तो अगर यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम की कास्ट डिसाइड करता है ABC, या फिर ऑस्कर अवार्ड के प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें इस प्लेटफॉर्म पे भेजना है, तो यहां पे सबसे पहले दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये कि एवेंजर्स एंड गेम को फ्री का प्रमोशन मिलेगा। दूसरा देखा गया है कि काफी सालों से जो है धीरे धीरे ऑस्कर अवार्ड्स की जो TRP रेटिंग है TV पे या फिर ऑनलाइन, वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो एवेंजर्स एंड गेम की कास्ट होने से यहां पे इस प्लेटफॉर्म को ये फायदा होगा, इनकी TRP भी काफी ज्यादा बूस्ट होगी। क्योंकि आजकल की जनरेशन में या फिर आजकल के दौर में एवेंजर्स की फॉलोइंग कितनी है ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार नहीं होगा, क्योंकि 2013 में भी एवेंजर्स 1 की कास्ट को जो है इनवाइट किया गया था एकेडमी अवार्ड्स पे, जब एवेंजर्स 1 ने कमाल और धमाल मचाया था 1.5 बिलियन से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके। लेकिन तब कुछ आलम और था, और आज MCU की रेपुटेशन कुछ अलग ही लेवल की बन चुकी है। लेकिन अभी इस पे डिस्कशन चल ही रहा है, ABC नेटवर्क और एकेडमी अवार्ड के प्रोड्यूसर्स दोनों ही इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर एवेंजर्स एंड गेम की कास्ट ऑस्कर में होने वाली है तो वो कौन से एक्टर्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर डिज्नी उन्हीं एक्टर्स को भेजेगा जो कि बाहर आके जब उनसे रिपोर्टर्स कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनके साथ इंटरव्यू करेंगे, तो वो कोई स्पॉइलर रिवील ना कर दे। जैसे कि मार्क रफेलो, उनके आने के चांसेस शायद जो है कम ही हो सकते हैं, या फिर अगर वो आते भी है एकेडमी अवार्ड्स पे तो शायद डिज्नी उनको जो है कुछ वार्निंग्स के साथ वहां पे भेजे। कहा जा रहा है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स पे भी जो है MCU की तरफ से कोई बड़ा एक्टर इसीलिए फीचर नहीं किया गया या फिर कोई एक्टर नहीं आया, क्योंकि ऑस्कर अवार्ड्स पे अगर बहुत सारे एक्टर्स एवेंजर्स एंडगेम के आते हैं तो वो और भी ज्यादा स्पेशल मोमेंट गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी बन जाता है। जो भी लोग ऑस्कर अवार्ड्स अभी तक नहीं देखते थे, चाहे वो मार्वल के फैन थे या ना थे, लेकिन वो भी इस ऑस्कर अवार्ड को देखने वाले हैं अगर ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि एवेंजर्स एंड गेम की कास्ट यहाँ पे अपीयर होगी ऑस्कर अवार्ड्स में। और ये ऑस्कर अवार्ड्स होने वाले हैं 24 फेब 2019 को, तो क्या आप देखोगे या क्या पहले से फॉलो करते थे ऑस्कर अवार्ड्स को, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो पता क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी मार्वल।